हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम अगेन टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। टुडेज टॉपिक इज कोरोजन। इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपके चारों तरफ दिखाई देता है। यहाँ पर सबसे पहली बात होती है कोरोजन है क्या। तो आप देखिए, आप क्या देखते हैं आपके चारों तरफ, जो आयरन मेटल है, आयरन मेटल, वो कुछ समय के बाद रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस उसके ऊपर जमा हो जाता है। या फिर आपका जो कॉपर मेटल है, कॉपर मेटल जो होती है उसके ऊपर जमा हो जाता है ग्रीन कलर का सब्सटेंस। कैसे कलर का सब्सटेंस? ग्रीन कलर का सब्सटेंस जमा हो जाता है। और आपके घरों में सिल्वर होती है, चांदी, जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उसके ऊपर ब्लैक कलर का सब्सटेंस जमा हो जाता है। अब आम आदमी को इस बात से मतलब नहीं है कि क्या है ये, लेकिन अगर आप केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहें तो इसको कहेंगे हम कोरोजन। अब कोरोजन को डिफाइन करना है, देखिए, द प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अवे, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, स्लो ईटिंग अवे ऑफ मेटल बाई रिएक्टिंग विद एटमोसफेयर गैसेज। एटमोसफेयर में जो गैसेज होती हैं, यहाँ पर आपका मॉइस्चर हो सकता है, CO2 हो सकती है, SO2 गैस हो सकती है, कोई भी जो गैस है मॉइस्चर में जो प्रेजेंट है उनके साथ रिएक्शन करके फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट ऑन मेटल सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। उसको क्या कहेंगे हम? कोरोजन कहेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद करना, इस डेफिनेशन को समझ के करेंगे तो आपको याद रह जाएगी। अब बात आती है केमिकली ये है क्या चीज़। देखिए, अगर बात करते हैं आप आयरन मेटल की, जो रेडिश ब्राउन कलर होता है, दैट इज Fe2O3.XH2O। H2 याद रखना, जो रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस है दैट इज रस्ट, और ये आपका फेरिक ऑक्साइड। केमिकली फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है, एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि रस्ट का फार्मूला क्या होता है, याद रखेंगे। दूसरी बात आपका है ग्रीन कलर, ये आपका होता है Cu CO3 dot CuO2 twice। कार्बोनेट इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि उसका फॉर्मूला क्या है इस कंपाउंड का। ब्लैक कलर जो होता है ये आपका होता है सिल्वर, Ag2S, सिल्वर सल्फाइड आपका है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, टिपिकल पॉइंट्स हैं, केमिकली होता क्या है तो फॉर्मूला याद रखें इनका। अब अपने पास क्वेश्चन आ होता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कि ये होता क्यों है। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि सब्सटेंस कैसे जमा हो गए। तो यहाँ पर अलग अलग थ्योरी आई, तो यहाँ पर जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, केमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। ये आप याद रखेंगे। और यहाँ पर जो आपके पास ऑक्सीजन के केस में होता है रस्टिंग, जो आपका कोरोजन है उसको बोलते हैं आप रस्टिंग, दिस इज कॉल्ड रस्टिंग। जो पूरी टर्म है उसको बोलेंगे आप कोरोजन, और अगर आप आयरन का केस देते हैं तो उसको बोलते हैं आप रस्टिंग ऑफ आयरन। याद रखिए, लोहे को जंग लगना। अब कैसे लगता है वो आपको ये थ्योरी बताएगी। देखिए, यहाँ पर आपके सामने एक थ्योरी आती है, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है कि जो आपका रोड है या कोई आपकी मेटल है, दैट एक्ट एज मिनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और एक बात याद रखना, जितनी भी मेटल होती हैं वो कोरोजन क्यों करती हैं, क्योंकि वो क्या करती हैं, ऑक्सीडेशन। तो कोरोजन में सभी में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये क्या करता है आपका, एक तरह से मिनी इलेक्ट्रो केमिकल सेल। तो ये मिनी स्मॉल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह से काम करता है, और इसी के बेस पे हमें देखना है कि कोरोजन कैसे होता है। अब यहाँ पर बात आती है इसमें एनोड क्या है तो कैथोड क्या है। तो यहाँ पर अलग अलग जो रिएक्शन होंगी वो हम करते हैं। देखिए, रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग कोरोजन रस्टिंग।
प्रेस्टिंग में कौन कौन सी डिक्शन होती है हमें समझ नहीं रखी है। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट डिक्शन है वो आपका एयर में जो होता है, फर्स्ट डिक्शन जो रहेगी हमारे पास डिक्शन फर्स्ट, CO2 प्लस H2O। एयर में क्या बन जाता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। और कार्बोनिक एसिड जो बनता है ये आपका एक तरह से इसके सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है और डिकम्पोज हो जाता है इसके अंदर 2H पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव के अंदर, तो इसमें टूट जाता है। अब ये क्या होगा, देखिए कैसे काम करेगा। अब आपके पास है रिएक्शन टू समझेंगे आप, यहाँ पर रिएक्शन टू में क्या होता है या फिर एनोडिक रिएक्शन, एनोडिक रिएक्शन। तो देखिए जो मेटल है उसके ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और वो कैसे काम कर रही है जी एनोड। जो आपके पास मेटल है देखिए ये वाली मेटल Fe मेटल है आपका, Fe2 पॉजिटिव बना देगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो गया ऑक्सीडेशन। तो आप लिख सकते हैं Fe से बन गया आपके पास Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्या हो गया ऑक्सीडेशन, दिस इज कॉल्ड एनोडिक रिएक्शन। अब एनोड है तो क्या बनेगा, कैथोड भी बनेगा। तो यहाँ देखिए अगला जो रहेगा कैथोडिक रिएक्शन, कैथोडिक रिएक्शन। अब यहाँ पर क्या होगा देखिए, रिएक्शन 3 है ये, रिएक्शन 3। अब क्या होगा, जो दो इलेक्ट्रॉन गए हैं Fe से निकल के वो इसके सरफेस पे, ये आपके पास वाटर ड्रॉप है उसके पास में है, इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे पार्ट में चले जाएंगे मेटल के और वहाँ पर क्या होगा देखिए O2 प्लस 4H पॉजिटिव चार्ज प्लस 4 इलेक्ट्रॉन क्या बना देगा हमारे पास, 2H2O बन जाएगा। याद रखना ये आपके पास जो इलेक्ट्रॉन थे उसने ऑक्सीजन को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया है, तो ये आपका हो गया एनोडिक रिएक्शन। अब आप याद रखेंगे इसकी ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन जो आपके पास थ्योरी होती है उसके अंदर ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, देखिए Fe प्लस O2 2Fe प्लस O2 प्लस 4H पॉजिटिव चार्ज प्लस ये आपका 2Fe2 पॉजिटिव प्लस 2H2O। याद रखना ये आपके पास जो रिएक्शन आ जाती है दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन ड्यूरिंग द रस्टिंग। तो ऑक्सीडेशन और रिएक्शन को हमने कंबाइन कर दिया है तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, फेरिक्साइड रिएक्शन हो गया आपके पास यहाँ पे O2 प्लस 4H पॉजिटिव चार्ज प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बन गया आपका 2H2O। तो ये आपके पास रिएक्शन हो जाता है। अब क्या होगा देखिए, अब यहाँ पर जो फेरस आयन है, ये जो आयन है इसको बोलते हैं फेरस आयन, फेरस आयन। अब फेरस आयन क्या करता है देखिए, यहाँ पर अगला रिएक्शन देखेंगे आप इसके अंदर स्टेप 3 रिएक्शन, देखिए यहाँ पे रिएक्शन 3 Fe2 पॉजिटिव फेरस 4 फेरस पॉजिटिव O2 प्लस 4H2O, यहाँ से आपका बन जाएगा देखिए Fe2O3 प्लस 4H पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो बन गया आपके पास इसको बोलेंगे आप फेरिक ऑक्साइड। याद रखना क्या बन गया हमारा, फेरिक ऑक्साइड है ये, क्या बन गया हमारा फेरिक ऑक्साइड, रिएक्शन 4 फेरिक ऑक्साइड ऑक्साइड। और जो फेरिक ऑक्साइड जो बनता है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके, मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके आपकी जो लास्ट रिएक्शन बनेगी, देखिए आपकी जो लास्ट रिएक्शन बनती है यहाँ पर रिएक्शन 5 Fe2O3 प्लस XH2O, यह बन गया आपके पास Fe2O3 डॉट XH2O। ये जो बन गया आपके पास इसको बोलेंगे आप रस्ट, क्या बोलेंगे इसको हम, रस्ट बोल दिया जाएगा उसको रस्ट। और ये जो रस्ट है आपका इस टाइप से यहाँ जमा हो जाएगा, देखिए इस तरह रस्ट, रस्ट Fe
2O3.XH2O, ये तो ये आपके पास ओवरऑल रिएक्शन है किसकी, रस्टिंग ऑफ आयरन की। तो फाइव रिएक्शन आप इसमें याद करेंगे, आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ रिएक्शन आपको यहाँ तक दे रखी है, लेकिन आपको याद रखना है कि जो आपका फेरस आयन हो फेरिक में चेंज हो जाएगा, उसके बाद क्या बन जाएगा, हमारा रस्ट बन जाता है। तो फाइव स्टेप है, और याद रखना ये जो आपके पास पूरी थ्योरी है इसको बोलते हैं आप इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपको याद रखना है रस्ट क्या है, और रस्ट का केमिकली नाम क्या है, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड है यहाँ पर जो आपका आयरन, इसको पृथ्वी पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट है। तो ये था आपके पास रस्टिंग होती क्या है, इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग क्या होती है। ये आपका जो क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी सीबीएसई बोर्ड में और हरियाणा बोर्ड के अंदर डायरेक्ट 3 नंबर का पूछा गया है। तो आपको रिएक्शन याद करनी ईजी है, बस आपको याद रखना एनोड पर क्या होगी ऑक्सीडेशन, कैथोड पर क्या होगी रिडक्शन होगी, और इसको आप कंबाइन कर देंगे, वेरी सिंपल है। और लास्ट में आपके पास ये एफयू रस्ट बन जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर इतना करने के बाद हमारे सामने क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो रस्टिंग को अफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं, देखिए हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये आपने नोट कर लिया होगा, कर लीजिए नोट इसको। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग रस्टिंग ऑफ आयरन। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग रस्टिंग ऑफ आयरन, देखिए नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग रस्टिंग, भाई कौन कौन से फैक्टर्स को जो अफेक्ट करते हैं। पहला जो मेन फैक्टर है वो होता मॉइस्चर, मॉइस्चर याद रखेंगे जो रस्टिंग होती है उसके अंदर आपका ऑक्सीजन की जरूरत भी होती है और मॉइस्चर की जरूरत भी होती है। अगर मॉइस्चर नहीं होता है एनवायरनमेंट में, अगर नमी नहीं है, पानी नहीं है, तो रस्टिंग नहीं होगी। अगर आप एक्सपेरिमेंट करके देखें कि आपके पास एक कंटेनर ले लिया, उसके अंदर आपने उसको ड्राई कर दिया, वाटर नहीं है, तो अकेला ऑक्सीजन उस मेटल को रस्ट नहीं लगाएगा। तो याद रखना मॉइस्चर इज आल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास रहेगा देखिए इसमें वो है इम्प्योरिटीज़ का मतलब होता है कि मेटल के अंदर अगर कुछ अदर सब्सटेंस प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं इम्प्योरिटीज़, तो उसके अंदर रस्टिंग होने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो इम्प्योरिटीज़ इंक्रीज द रस्टिंग। नेक्स्ट जो आपके पास रहेगा वो इसमें होता है इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है अगर यहाँ पर आयंस प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर जो सलाइन वाटर NaCl हैविंग NaCl प्रमोट्स रस्टिंग। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, कॉन्सेप्चुअल में पूछा जा सकता है कि सी एरिया जो होता है उसके पास में रस्टिंग ज़्यादा होती है, क्यों होती है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन सी वाटर। नेक्स्ट जो लास्ट आपका इसका इफेक्ट पड़ता है वो आपका याद रखना है वो है स्ट्रेन्स। अगर जो मेटल है उस मेटल के अंदर स्ट्रेन्स है, बैंड है, पिटिंग है, बैंड जितने ज़्यादा होंगे उस बैंड के, ये मान लीजिए आपका इस टाइप से ये मेटल है, यहाँ पर बैंड हो गया है, देखिए बैंड के पास में यहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा डिपॉजिट हो जाएगा, और मॉइस्चर ज़्यादा डिपॉजिट होने की वजह से रस्टिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ये जो फैक्टर हैं ये रस्टिंग को बढ़ा देते हैं, याद रखना बात ये। अब हमारे सामने जो चैलेंज है वो ये है कि हम इसको रोके कैसे, तो हमें क्या करना है, हमने इसकी केमिस्ट्री पढ़ ली है, तो केमिस्ट्री पढ़ने की वजह से की हेल्प से हम इसको रोक भी सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन। नेक्स्ट हमारे पास है मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन, देखिए नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ
ऑफ प्रिवेंशन। ऑफरेस्टिंग कैसे उसको प्रिवेंट करेंगे, देखिए पहला जो मेथड रहेगा वो होता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड का मतलब रुकावट पैदा करना, रुकावट लगा दिया आप इसके अंदर। तो यहाँ पर याद रखना, अगर आपके पास दो तरह से रुकावट लगा जा सकती है, एक तो होता है इसके अंदर फिजिकल मेथड, पहले इसमें आता है फिजिकल, फिजिकल मेथड में क्या होता है, जैसे मैटर सरफेस के ऊपर हम क्या कर दें, ऑयलिंग कर दें, क्या कर दें, ऑयलिंग या पेंटिंग। आम आदमी इसको देखता है लेकिन उनको इस बात से मतलब नहीं है कि इससे होता क्या है। तो आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आप ये बता सकते हैं कि ऑयलिंग और पेंटिंग से क्या होता है, जो मेटल है वो मॉइस्चर और एयर के कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाएगी। ये क्या करते हैं, मेटल के बीच में एक रुकावट पैदा कर देंगे, मेटल और एयर के बीच में एक रुकावट पैदा कर देंगे, बैरियर पैदा कर देंगे, जिससे रस्टिंग नहीं होगी। दूसरा आप कर सकते हैं इसके अंदर, दूसरा जो मेथड है वो है केमिकल मेथड। यहाँ पर क्या करते हैं, इससे रिएक्टिव मेटल, जो आपके पास जो आपका कुछ मेटल ऐसी होती हैं जिनकी हम इसके ऊपर लेयरिंग कर देते हैं, जैसे आपके पास निकिल है, क्रोमियम है, इन मेटल्स की इसके ऊपर क्या कर देते हैं, डिपोजिशन कर देते हैं, एक लेयर चला देते हैं। आपने देखा होगा जो आपका मोटरसाइकिल के रिम होते हैं, आजकल तो अलॉय के आते हैं, पहले जब लोहे के आते थे उसके ऊपर एक शाइनिंग कवरिंग होती थी जो चमक पैदा करती थी, वो एक तरह का लोहे को उस जो आपका रिम है उसको जंग से बचाने के लिए लेयरिंग कर दी जाती है, दैट इज़ केमिकल मेथड। याद रखें आपको, आप चारों तरफ केमिस्ट्री देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके पास है सैक्रिफिशियल मेथड। यहाँ पर क्या होता है, एक मेटल जिसके ऊपर हमें, जिसको हमें बचाना है रस्टिंग से, उसके ऊपर मोर रिएक्टिव मेटल की परत चढ़ा देते हैं। मोर रिएक्टिव मेटल आपको मोस्टली यूज करते हैं जिंक, जिससे क्या होता है, जो एक्टिव मेटल है वो अपने आप को ख़त्म कर लेती है और मेटल जो हमें बचानी है उसको ये रस्टिंग से रोक देती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, याद रखना गैल्वेनाइजेशन। अलग से पूछा जा सकता है गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस की थी हमने, उसी का एक एप्लीकेशन है। मतलब जिंक मेटल को अगर आप चढ़ा देते हैं उस दूसरी मेटल के ऊपर, आयरन के ऊपर, दैट इज का गैल्वेनाइजेशन, ये आपकी मेटल ख़त्म हो जाएगी और जो आपकी मेटल है वो बच जाएगी। तो इसको बोलते हैं हमने सैक्रिफिशियल मेथड। लास्ट नेक्स्ट मेथड में आप देखिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैथोडिक प्रोटेक्शन। या इसका एक और मेथड नाम देते हैं इलेक्ट्रोलिटिक मेथड बोल सकते हैं इसको, या इलेक्ट्रॉनिक मेथड बोल सकते हैं। क्या होता है यहाँ पर याद रखना, कुछ आयरन पाइप होते हैं, अब देखिए जो आयरन पाइप है, जो अंडरग्राउंड आयरन पाइप है, अंडरग्राउंड जो आयरन पाइप है उनके साथ मॉइस्चर काफ़ी कॉन्टैक्ट में रहता है, तो इस मॉइस्चर के साथ रस्टिंग जल्दी हो जाती है। तो क्या करते हैं, इसके साथ हम एक और रिएक्टिव मेटल, ये आपके पास एमजी मेटल है मोस्टली लेते हैं, एमजी मेटल को जोड़ देते हैं इसके साथ, एमजी मेटल को जोड़ दिया, ये आपके पास मोर रिएक्टिव मेटल और ये काम कर गया जी एनोड की तरह से काम करेगी। और क्या होगा, जब एमजी जो होगी ना अपनी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगी, एमजी टू पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स, और ये आपका क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा, कैथोड। यहाँ पर क्या होगी, रिडक्शन होगी, और यहाँ पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन होगी ना, तो ये वाली जो मेटल है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी और ये वाली मेटल हमारी बच जाती है। तो मतलब कैथोड का हमने क्या कर दिया,
प्रोटेक्शन कर दिया, तो इसको बोलते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। और यहाँ पर याद रखना जो रेस्पेक्टिव मेटल है जिसको हमें बचाना है उसको हम कैथोड की तरह से यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट है, अलग से पूछा जा सकता है कि कैथोडिक प्रोटेक्शन होती क्या है। तो याद रखना हमने अंडरग्राउंड जो पाइप है उसको जोड़ दिया उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल के साथ, अगर ये मेटल से कम रिएक्टिव होगी तो फ़ायदा नहीं रहेगा। तो ये आपके पास है कैथोडिक प्रोटेक्शन। तो लास्ट मेथड रहेगा इसका एंटी कोरोडिव कोरोजिव सब्सटेंस। इसमें क्या होता है अल्कलाइन क्रोमेट या फॉस्फेट, उसकी हम क्या करते हैं लेयरिंग चला देते हैं मेटल के ऊपर, जिससे वो क्या हो जाता है बच जाता है। तो याद रखेंगे बात है, तो ये क्या होगा हमारा रस्टिंग हो जाता है। तो ये ऑल अबाउट रस्टिंग था। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है लास्ट में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए कि आपके पास एक मेटल है, समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को, एक मेटल बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रस्टिंग के बाद ये M1 था, ये M2 है, रस्टिंग बिफोर रस्टिंग, रस्टिंग के बाद मेटल का मास बढ़ेगा घटेगा या चेंज नहीं होगा। तो याद रखना रस्टिंग के बाद जो मेटल है इसका मास M2 ग्रेटर देन M1 हो जाएगा, मास बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मेटल थी, यहाँ पर आपका बन जाएगा Fe2O3.XS2, तो काफ़ी सारी सब्सटेंस इसके ऊपर जमा हो जाती है, इसलिए रस्टिंग के बाद जो मेटल है उसका मास इंक्रीज हो जाता है। तो याद रखेंगे ये आपका क्या होगा कोरोजन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप इसको अच्छे से याद करें लर्न करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टडी विद मी एंड एन्जॉय केमिस्ट्री। थैंक यू।